जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता के अध्याय 12 और 13 की कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं अध्याय 12 से, जिसमें मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी दी गई है। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूँगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी पर विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूकता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें। सिंधु और शतद्रु नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। शतद्रु यानी के सतलुज। सरस्वती नदी परम पवित्र और 7 मुख वाली कही गई है, अर्थात इसकी 60 धाराएँ हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत में निकली हुई पुण्य ललिता गंगा जो 100 मुख वाली नदी है, उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या और गोवध के पाप कभी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली हैं। कृष्णावेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरिम तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। साध्य पर्वत के निवास हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभीष्ट फल देने वाले के साथ साथ शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिक आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान, पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों, उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए
तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था, जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और शोणभद्रा में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष आगमन के महीने में नर्मदा के स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान तथा तिलोतक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्ण वेणी नदी में किए जाने वाला स्नान भी ऋषियों ने प्रशंसा की बात की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थ में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किसी किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान कराने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों में मध्य से बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम रीति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुधा रिद्धि मृच्छति। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महद्यन्पि जायते तत्कालम जीवनार्थ चेते पुण्येन श्रय मेष्यति। पुण्य गैश्रव्य प्राहु कायिकम याचिका तथा मानसम च तथा पापम तादृश्यम नाशेद द्विजा। मानसम वज्रलेपम तुल्यकल्प कल्प पानुगम तथा। तो वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा 12वां अध्याय। अब शुरू होता है 13वां, जिसमें सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि के बारे में बताया गया है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं।
जिसमें स्वरूप मात्र से ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसके वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला तथा परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पितरों का तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करता है, गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे, लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है, लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे, जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दतुवन करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें। यह दांत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शक्ति के लिए सिर पर जल छिड़कें तथा यस्य क्षाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे अंधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा में 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय के जल छिड़कें। दूसरी ऋचा में 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक पर जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। प्रातःकाल सूर्यश्व मा मनुष्यव इत्यादि सूर्यनुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्व मा मनुष्यव इत्यादि अग्नि संबंध अनुयाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपह पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संधोपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को 1 ही अर्घ देना चाहिए, फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें। प्रातःकाल और मध्याह्न के समय अंजुली में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ दें, फिर उंगलियों के छिद्र से ढक ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उसके लिए स्वयं प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है, ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्यापासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि 1 दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्याकाल के लिए नित्य नियम से अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित के 1,00,000 गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक निष्क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें, फिर तर्पण कर्म को ब्रह्म अर्पण करते हुए शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करते हुए पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के अ, उ और म इन 3 अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव यानी के ओम का जप करना चाहिए।
जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म रूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, मध्याह्न काल में 100 और सायंकाल में 28 जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को 3-3 संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके उनकी एकता का निश्चय करें और यह ब्रह्म मैं हूँ ऐसे भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्म रंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों पर एक एक अजपा गायत्री के जप से, एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्म लोक प्रदान करने वाला होता है ऐसा जानना चाहिए। 100 किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जन धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुआ धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य लग्न की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सत्ययुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सत्ययुग में व्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप सिद्धि
प्राप्त होती है जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धन्यादि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेहा और चौप्य, ये चार प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, उसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति प्रहजनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के तीन भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नौमितिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परमित तथा पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का दसवां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म बुद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का छठा भाग दान कर देने योग्य है, बुद्धिमान पुरुष अवश्य इसका दान कर दें। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन न करे। ब्राह्मणों, दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न करें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने से असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधिपूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल धान्य घी फल कंद तथा हविष्य, इसके द्वारा विधिपूर्वक स्थालीपाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजसत्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरुक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किए करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको सुनाया शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का अध्याय 12 व 13। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।